island. It's Chima Post. Who's your catch? Chima Post, go over मर जाऊं। सो हम अभी वेट कर रहे हैं हमारे गाइड का मिस्टर अमीन, जो कि आज के इस ट्रिप को लीड करेंगे। हमारी ट्रैकिंग जो है वो नॉर्मलन वाटरफॉल से स्टार्ट हुई है, और जो सबसे पहला मीडो हमें देखने को मिलेगा उसका नाम है पत्थर। हमारे लीडर मोहम्मद अमीन ग्रुप को लीड करते हुए आगे आगे चलते हुए और जबरदस्त कैश बनाना अच्छा बना डोंडर रेस डोंडर इनके मतलब जंगल ओल चा अगर वो नक्सम कैश इमन कैश बनान दिस इज स्ट्रॉबेरी टाइप ही है जबरदस्त कटे हमारे अमीन साहब ने हमें कुछ जड़ी बूटी दी है एच बनान छूच लेट्स टेस्ट इट छूच और ओहो टेस्टी है कैसा लग रहा है भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया असल یم گئی سانہ ٹیم ہند بہادر نوجوان جناب شاکر صٲب और ये हमारे ट्रैक का पहला पड़ाव, इसको कहते हैं पत्थर मीडोज। आज का जो ट्रैक है, आज हमें 5-6 मीडोज विजिट करने हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो के साथ बने रहेगा आखिर तक। सो पत्थर से निकलते ही अब हम अपने नेक्स्ट मंजिल की तरफ चलने लगे। हमारा नेक्स्ट जो मीडो आने वाला है आगे, उसका नाम है कयून मीडोज, और वहाँ पे बहुत सारी बस्ती भी है। आस्थान कच्चे आस्थान या पहरा चुनाव क्या पत्थर से कयून का जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट 1-2 घंटे का रास्ता है। वो ट्रायल जो है वो बहुत ही अच्छे से बना के है। लो जी, हम पहुंच गए एक और मीडो में जिसका नाम है कयून, KNYUN कयून, एन इज साइलेंट। यहाँ पे एक मोहल्ला ही है बकरवाल और गुजर्स का, और एक ब्यूटीफुल सी मस्जिद भी है वहाँ पे। और इसके बाद जहाँ मैं जाना है चूरखोड़न, वो इसके बाद आएगा। फिलहाल आप इस खूबसूरत मीडो के नज़ारे उठाइए। कहीं उनका जो मीडो है वो 2900 मीटर के एलिवेशन पे लोकेटेड है, और उसका रूट नॉर्मलन वाटरफॉल्स बारामला से भी जा सकते हैं आप, और नौशारा बुनियार से भी आप जा सकते हैं। सबसे ईजिएस्ट रूट इसका नॉर्मलन से है। सो अब हम निकल गए कयून से हमारी आखिरी मंजिल की तरफ, जो है चूरखोड़न। चूरखोड़न यहाँ से कम
आधे घंटे के फासले पे है। खुदा की कुदरत का एक अनमोल नज़ारा है और एक अनमोल तोहफा है ये पहाड़ खुदा की तरफ से। इनको देखने के बाद दिल झूम सा उठता है। आपको थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ मैं चुरखड़ मीडोज की। ये स्टार्टिंग है इसका अभी। नामलान वाटरफॉल्स का जो पानी है, जो मेन सोर्स है उसका, वो चीमा पोस्ट जो अफरवट के बैक साइड में जो भी ग्लेशियर से उससे गुजरता हुआ और इस चुरखड़न मैदान से गुजरता हुआ आता है। लिविंग चुरखड़ ऑन मीडोज। लंच वगैरह भी हो गया और रेस्ट भी कर ही लिया। एंड नाउ अब हम दूसरा रूट लेंगे। उसमें सबसे पहली जगह जो हमें पड़ेगी बीच में उसका नाम है सोम्बलियार। वो भी एक छोटा सा मीडो है, सो पहुंचने में आपको दिखाएंगे। चुरखड़न मैदान से निकलते ही हमें इस मंजर पे एक नज़र पड़ी जो कि दिल को लुभा देने वाला एक मंजर था। और यही रूट अब हमें सोम्बलियार ले जाएगा जो कि गाइड बता रहे एक बहुत ही प्यारा सा मीडो है। लो जी हम पहुंच गए सोम्बलियार। चुरखड़न मीडोज के बाद एक और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार मीडो आता है जिसका नाम सोम्बलियार है। वैसे वहाँ पे चीखते चिल्लाते हुए क्योंकि उसकी खुशी, उसको अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी खुशी आ रही है उसको, इतनी खुशियाँ। यहाँ से भी बहुत सारी जगह हैं लेकिन बॉर्डर होने के कारण यहाँ से जाने नहीं देते, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। यूजियन वर्ल्ड वीडियो उठाते हुए अच्छा यार। जितनी तारीफ हमारे ट्रैक लीडर मोहम्मद अमीन ने इसकी की थी उससे बहुत ही आलीशान और बहुत ही सुंदर मीडो है और बहुत ही बड़ा, मेरे हिसाब से चुरखड़न से भी बड़ा है। सोम्बलियार के आलीशान और खूबसूरत मीडोज से निकलते अब हम ये जो सामने आप नाला देख रहे हैं इसको फॉलो करते करते पहुंच जाएंगे हम वहां पे जहां पे आपने अपनी गाड़ियां पार्क की है।